बीजेपी सांसद ने मांगा काशीराम जी के लिए भारत रत्न। सरकार से अनुरोध है कि माननीय काशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। माननीय बीजेपी सांसद को बहन जी ने दिया करारा जवाब। गुरुवार को संसद में कमाल हो गया। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने लोकसभा में माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग की। वही बीजेपी जो दलितों पिछड़ों की राजनीति की विरोधी है, उसी बीजेपी के सांसद ने माननीय काशीराम साहब के लिए भरी संसद में भारत रत्न की मांग कर डाली। माननीय मैं आदरणीय श्री काशीराम जी जिन्हें बहुजन नायक और माननीय के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीति में और समाज सुधारक थे जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे मान्यवर तथा जिन्होंने सदायगी जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यह किसी से छिपा नहीं है कि मान्यवर श्री काशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, लेकिन वह राजनीतिक से ज़्यादा देश के दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि माननीय काशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण कुमार सागर की इस मांग पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी है तो सरकार से भारत रत्न दिलवा दीजिए। बहन जी ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा। यूपी बीजेपी के एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाएं, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसके आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करें। बात तो सही है, बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी के ही सांसद अगर ऐसी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार को चाहिए कि तुरंत माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करे। वैसे अरुण कुमार सागर भी दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और शाहजहांपुर की आरक्षित लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी में रहकर अगर वो माननीय काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं तो भी अपने आप पे बड़ी बात है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।